गर्मी ने अभी अपना जोर दिखाना ही शुरू किया है कि अभी से बांसवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी के लिए मशक्कत का दौर शुरू हो गया है। लोगों का पूरा दिन सिर्फ पीने के पानी का इंतजाम करने में निकल जाता है। मामला बांसवाड़ा से महज 25 किलोमीटर दूर कटुंबी पंचायत क्षेत्र की पहाड़ी पर बसे हांदियापाड़ा गांव का है, जहां पीने के पानी के लिए हैंडपंप्स नहीं है और ना ही कुआं है, बल्कि है तो सिर्फ गंदे पानी का गड्ढा, जिसे लोग कुंडी कहते हैं। जानवर हो या इंसान, सबका गुजारा सिर्फ इसी कुंडी से चलता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यही कहावत यहाँ के लोगों पर लागू होती है। यहाँ के लोग डिब्बे के जरिए घड़ा भरते हैं। रोज करीब 3 से 4 किलोमीटर का सफर पानी के लिए यहाँ के लोग तय करते हैं, जिसके बाद 2 घूंट पानी इन्हें नसीब हो पाता है। गांव वाले रोज गड्ढा खोदते हैं, पानी का इंतजार करते हैं। घंटों बाद गड्ढे में पानी आता है और उससे ये अपनी प्यास बुझाते हैं। हमारे गांव में 80-90 मकान है। एक छोटे से नाले में एक ही कुड़ी है खाली, उसमें पूरा दिन पानी ले जाने में टाइम निकल जाता है और पूरा दिन कतारों में टाइम निकल जाता है। एक ही कुड़ी है, एक आधे हैंडपंप में 2-4 हैंडपंप वो भी सूखे पड़े हैं और पानी की काफी समस्या हो रही है। ये मुसीबत आज की नहीं है, बल्कि आजादी के पहले से इस गांव के हालात यही हैं। लेकिन बावजूद इसके न सरकार का ध्यान इस पर जाता है, न ही प्रशासन का। अभी गर्मी शुरू हुई है, जब गर्मी अपने चरम पर होगी तो अंजाम क्या होगा, ये सोचना कठिन नहीं है। सवाल ये है कि क्या अब इन्हें राम भरोसे रहना होगा या सरकार इनकी ओर कोई ध्यान देगी। अजय ओझा, जी मीडिया, बांसवाड़ा।